और भगवान। तो अगर उसका जॉब लग जाएगा तो आप क्या करेंगी? अगर उसको इच्छा होगा कि हम जब भर सक, हम कोशिश करेंगे कि अपना जो है संस्था, जो स्कूल है, जिस माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बस इतना बता देते हैं कि अभी हम आए हुए हैं गुड़िया दीदी के घर पे, और गुड़िया दीदी के घर पे आए हैं कुछ स्पेशल काम ही होगा। बस इतना आप लोगों को एक इंडिकेशन दे देते हैं कि बहुत बड़ा गुड न्यूज मिला हुआ है, जो कि आप लोगों को बहुत दिनों बाद पता चलेगा। पर इतना बता देते हैं कि गुड़िया दीदी बहुत ही स्पेशल खाना बनाती हैं, लेकिन ये खाने जब बनाती हैं तो सूट नहीं करती। पर मैं आप लोगों को, मैं सोचा हूँ कि एक इनका वीडियो जो होगा, जब कभी बनेगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये मेरी छोटी सी भांजी है, इसको बहुत मन कर रहा था क्या खाने का, पिज्जा खाने का। पिज्जा, और इसको ना मतलब हिंदी थोड़ा कम आता है, इसलिए इसको थोड़ा नेपाली आता है। ऐसे ना जब खरपूज में गए हुए थे तो शायद आप लोग देखे होंगे। और ये मेरी भांजी, हाय बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? नव्या। गुड़िया दीदी की बेटी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? भालो भालो राम्रो भालो लग। तुमको बताओ कैसा लग रहा है? मेरा थोड़ा बहुत गंदा आ रहा है। थोड़ा नहीं पूछ रहे हैं क्या? यहाँ पे अभी आई है तो कैसा लग रहा है? बहुत भूख लग रहा है। भाई ये जो है अभी 10th क्लास में है, और कैसा चल रहा है पढ़ाई? एवरेज नहीं अच्छा। और ये छोटी अभी है 6th क्लास में, इसकी बहन है, देख लीजिए लो दोनों में कितनी अंतर है साल में। मेरे को देखते हैं से भी क्या कर। आ जाती है गोद में, बैठ जाती है, चाहे कितना भी गंदा हो आके गोद में चोटी। हेलो मामा, हेलो मामा, लो आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, लो 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 लो। तो गाइस, आज सुबह सुबह मम्मी जो है उठ के आज क्या बनाई है? मेरा रोज का रूटीन है सुबह उठ के, तो आज बनाया है बरी का सब्जी, यादवड़ी बोलते हैं हम लोग बिहार में, और बाहर के लोग उसको बरी बोलते हैं। आलू बैगन और अदौड़ी डाल के सब्जी बना हुआ है, और रोटी बना है, अब चावल बनेगा दोपहर में। तो ऐसा आप क्या देख के शादी की थी रंजना में? रंजना को शादी की नहीं थी, शादी करेंगी। रंजना को हम पहली बार गए थे देखने, जब हम होटल में हम लोग, हम और सचिन और तुम और पापा, चार जन हम लोग गए थे, पूजा तो थी नहीं, तो वहाँ पे हम उसको देखे, हाइट वगैरह सब हम लोग को बराबर है, ज़्यादा छोटी है नहीं, हम लोग के साइज में है। और उसका हम देखे कि जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन जो है वो टोटल CBSE से है, और अच्छा से अपना पढ़ाई लिखाई की है, रेगुलर क्लास की है, तो हमको लगा कि स्कूल चलाने लायक अच्छी है और परफेक्ट है कि हम अपना जो मेरा साम्राज्य है, इसको साम्राज्य बोल लो चाहे जो बोलो, जो मेरा साम्राज्य है, दो स्कूल अभी ऑलरेडी चल रहा है, एक और चलेगा, तीन चलेगा स्कूल। तो हम लोग कितने जन हैं घर में? तीन जन हैं, तो तीन जन का तीन गो स्कूल बन जाएगा, और स्कूल में सब लोग को अपना अपना होना जरूरी है। तो ऐसा हम मैंने सोचे कि वैसे लड़की चाहिए कि जो स्कूल संभाल ले, उसके बाद अपना और सब काम है, वीडियो है चाहे जो है वो तो काम करना है, अपना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पहले हमको था कि पापा को भी चाहे हमको भी
की, स्कूल चलाने वाली लड़की चाहिए। स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है पापा जी का साथ देख रहेगी, मतलब पापा जी को क्या लगता है, क्या बोलते हैं आप? ऐसा चीज है कि मतलब हम सोचे थे कि थोड़ा पढ़ी लिखी रहेगी तो सब घर का जो भी काम होगा, बिजली बिल या बैंक का काम, जो का टैक्स हुआ या घर में जो भी परिस्थिति, जो भी बात होता है, तो कम से कम एक जन को ऐसा होना चाहिए घर में कि वो सब चीज देख सके। गांव का भी चीज है, यहाँ का है, तो तुम दोनों अगर रहेगा, मान लो रंजना एक्टिव है, अच्छी है, तो आगे सब कुछ संभाल लेगी, और जब वो सही संभालेगी तो तुमको भी तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। तुम जाएगा कहाँ, बन का गिदड़ जाएगा किधर। इसीलिए हम रंजना को हम पसंद किए और शादी कर रहे हैं। अब भगवान, तो अगर उसका जॉब लग जाएगा तो आप क्या करेंगी? अगर उसको इच्छा होगा कि हम जॉब करेंगे तो वो कर सकती है जॉब, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर उसको भरसक, हम कोशिश करेंगे कि अपना जो है संस्था, जो स्कूल है, जिस स्कूल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पापा इतना छोटे स्कूल लेके चलाते थे लेकिन आज हम लोग बहुत बड़ा कर दिए हैं, तो उस चीज़ को अगर वो संभाल लेती है, तुम संभाल लेता है, तो हम लोग एकदम आराम से हरिद्वार वगैरह सब जगह घूमेंगे, फ्री हो जाएंगे। अब घर का कोई टेंशन नहीं रहेगा हमको, इसी सोच के हम शादी कर रहे हैं रंजना से। चूँकि वो चार बहन है, चार बहन में एक बहन का शादी हुआ है, दूसरी मेरे घर आ रही है, और दो बहन है, और वो फैमिली से सब लोग जुड़ा हुआ है गांव से, तो गांव का सब कल्चर पता है कि कौन कैसे खुश रहता है। चाहे मेरे रिलेशन का जो भी लोग है, वो सारे लोग को थोड़ा सा देखभाल करे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को लेके चलते हैं आगे। पापा जी बहुत, मतलब पापा जी वीडियो भेजे हैं, और तुम्हारे पापा हमसे ज्यादा खुश हैं, कहते हैं कि आ जाएगी तो हम प्रिंसिपल बना देंगे उसको, और अपना केबिन में, उसका एगो केबिन रहेगा स्कूल में, अपना जाएगी, सारे टीचर को अपना मैनेज करेगी, और वहाँ बैठ के सबका पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब लेगी। तो इससे अच्छा क्या चाहिए हम लोग को? बेटा बहू दोनों अगर मिल के संभाल लेता है इस साम्राज्य को तो सबसे अच्छा है। और जैसा जिसको लगे वो कमेंट कर रहा है, करे, करते रहे, और ये दुनिया है, देखिए आप लोग और खूब इंजॉय कीजिए पढ़ाई लिखाई। सौभाग्यशाली है हम लोग कि आज पशावा के मीटिंग में आने के बाद से जगन्नाथपुरी में हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि कल उनको स्नान करवाया जाएगा, और इसके उपलक्ष्य में काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और प्रशासन चौकस व्यवस्था है, और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ दर्शन अभी कर रहे हैं, काफ़ी रुकावट है, और हम लोग सबके लिए मन्नत मांग रहे हैं कि परिवार और समाज सब लोग खुश और हम लोग अच्छे से रहें, यही हमारी मनोकामना है। हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और वही रोज का रूटीन। तो इतना छोटा छोटा आलू है, इसको छील रहे हैं और छील के बनाएंगे, और आज बना रहे हैं स्पेशल कुछ, तो उसके लिए आप लोग को रेसिपी मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे आलू छील के रख दिए हैं, बैंगन और टमाटर, तो इसका बनाएंगे बड़ी डाल के सब्जी। तो अदौरी बैंगन, हम लोग अदौरी बोलते हैं उसको, लेकिन बहुत लोग बड़ी ही बोलते हैं, तो अगर बड़ी का रेसिपी चाहिए तो आप लोगों को मिलेगा इस ब्लॉग पे। ये बड़ी का सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसका रेसिपी मिलेगा इस पे देखने के लिए। तो यहाँ आलू छील रहे हैं और ये बैंगन और टमाटर, तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बन रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज बैंगन का रेसिपी और बड़ी का बना रहे हैं। तो यहाँ पे है आलू, कट कर लिए हैं, थोड़ा मोटा ही किए हैं, ज़्यादा पतला नहीं, और यहाँ बैंगन, यहाँ दो टमाटर, और उसके लिए यहाँ पे है थोड़ा प्याज, और ये बड़ी है जो आप लोग बड़ी बोले थे कि बड़ी का सब्जी रेसिपी आंटी जी दीजिए, तो ये बड़ी है, और इसमें कस्तूरी मेथी रखे हैं पत्ता डालने के लिए। तो यहाँ प्याज है, और इसमें मसाला में ये जीरा मिर्च दो चम्मच के हिसाब से है डाल रहे हैं, और यहाँ थोड़ा सा सरसों डाल रहे हैं, क्योंकि बराबर मसाला डलाता है, ये सरसों है, और
ज़्यादा सरसों भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं डालते हैं मसाला। और ये दो लहसुन है छोटा छोटा, तो ये डाला जाएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, इसको देखने में खूबसूरत लगता है। और आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये। इसमें हम करेंगे इसको खाली, यहाँ निकाल रहे हैं सब्जी को कि कढ़ाई धुला जाएगा।